सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सवी एंड आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सारे ही चैप्टर्स. ओवरऑल 4 चैप्टर्स हैं एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कौन से चैप्टर्स है, विच इज़ नेम्ड एज वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. तो इस वीडियो में हम चारों ही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इन चारों ही चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज भी बोले तो 40 मार्क्स इन इसी सब चार चैप्टर से आ रहे हैं. ठीक है, तो 10-10 मार्क्स के चारों क्वेश्चंस भी आ सकते, मतलब 10-10 मार्क्स के इन चारों क्वेश्चंस चारों चैप्टर से आ सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर दूसरे स्ट्रैटेजी से भी आ सकते हैं. तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड मैं बोल देती हूँ इस पूरे ही वीडियो में इन डिटेल हम लोग चैप्टर्स को के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट होगा स्पेशली उन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं. एंड मैं सभी चैप्टर्स में बताते चलूँगी कि कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब तुम लोग एक बार नज़र मार लोगे तो हो जाएगा. ठीक है, एंड सभी चैप्टर्स के एंड में एक समरी और की नोट्स करके की वर्ड्स मिलेंगे, वो तुम लोग रीड कर लोगे तो पूरे चैप्टर का समरी तुम्हें मिल जाएगा एंड साथ ही में पूरे जो इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स या की टर्म्स हैं वो भी तुम लोग रिवाइज कर सकते हो. जैसे कि मैं अभी दिखा दूँ, नीचे चलेंगे तो मैं दिखाती हूँ इधर कि किस टाइप के होंगे तुम्हारे समरीज वगैरह. सो कम हेयर इन दिस पेज, लेंदी चैप्टर्स है वैसे ये सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है एंड इसमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं देन एनी अदर क्वेश्चंस. एंड जो मैंने चैप्टर लिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी है. तो देखो यहाँ पे समरी दिख रहा हुआ है, समरी पूरा चैप्टर का दिया हुआ है, साथ ही में यहाँ पे तुम लोगों को कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे. जैसे इस चैप्टर में कीवर्ड्स नहीं है बट बाकी सारे चैप्टर्स में अगर मैं बोलूँ तो कीवर्ड्स मैंने अलॉट कर रखे. देखो कीवर्ड्स या की टर्म्स तुम्हें कह लो टू बी मोर स्पेसिफिक, ये की टर्म्स है जिससे तुम्हारे चैप्टर का फुल्ली इम्पॉर्टेंट की टर्म्स वगैरह हैं उनका रिविजन हो जाएगा अच्छे से. तो अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. तो ये सारा जो PDF मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ये सभी PDFs तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग एकदम से जा रहे हैं चैप्टर को स्टार्ट करने, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले होगा तुम्हारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, देन वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ये एक्सेसिबिलिटी क्या है वो सारी पार्ट, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देन यूजिंग गूगल हैंडआउट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी से, देन क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब ब्लॉग्स, ब्लॉग्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो थोड़ा ब्लॉग्स देखना होगा, ऑनलाइन ब्लॉग्स ऑफलाइन ब्लॉग्स थोड़ा बहुत देखना होगा, ऑनलाइन ट्रांजिशन से भी देखना होगा क्योंकि सैम्पल पेपर जो मैंने लास्ट ही वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने सारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे. तो उसी सेक्शन ए में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अबाउट ऑनलाइन ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे. देन इंटरनेट सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, देन फर्स्ट एड एंड एक्सीडेंट को भी अंडरस्टैंड करना, देन ये एंड ये मतलब तुम्हारा इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्लान से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हजार्ड्स एंड हेल्दी लिविंग ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट है. कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जिसे हम लोग थोड़ा नज़र मार के चलेंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था अबाउट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, हम लोगों ने पढ़ रखा है जो कि कंप्यूटर में हमेशा से होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं वो कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं नॉट ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट. ठीक है, वेब एप्लीकेशन जो है वो केम इन टू एग्जिस्टेंस टू ओवरकम दीज शॉर्टिंग्स. कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स होती है बिना नेटवर्क के बिना इंटरनेट के कुछ एप्लीकेशंस हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो उन्हें यूज़ करने में हेल्प करता है हमारे वेब एप्लीकेशंस. Then web application refers to an application which can be accessed through a web browser. इसे web browser के through हम लोग देखते हैं, Internet Explorer, then Mozilla Firefox etc. In other words, web application जो होता है वो only accessible होता है using internet. देखो web application के अंदर ही तुम्हारे जिसके बारे में हम लोग discuss कर रहे हैं web application जो है वो बिना internet के नहीं चलता, ये ध्यान में रखने वाली बात है. मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था starting में, ये ध्यान रखना. ठीक है, जो भी वेब एप्लीकेशन है जैसे कि अभी ये PPT मैंने खोल रखा है यहाँ पे जो कि तुम्हारा मतलब ये समझो जो सैम्पल पेपर है. ठीक है, तो ये मैंने खोल रखा है थ्रू योर वन व्हाट नोन एज योर वेब एप्लीकेशन, वेब्स को यूज़ करते हुए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आफ्टर अ वेब एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
उसे स्टोर करके रख देते हैं नेटवर्क के अंदर. सो वेब एप्लीकेशन इज़ ऑल अबाउट, यू नो, बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं जिसे हम लोग विजिट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, दैट इज़ टर्म्ड एज योर वेब एप्लीकेशन. नीड देन वेब एप्लीकेशन आर जनरली होस्टेड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग इन्वायरमेंट. इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, देन पीयर टू पीयर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अंडर दिस चैप्टर. तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया. नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग फंडामेंटल में. तो बेसिकली नेटवर्क क्या होता है ये यहाँ पे समझाया है. नेटवर्क मतलब तुम्हारा जो होता है ना, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से, और फिजिकली यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तब हम उसे नेटवर्क कहते हैं. नेटवर्क मतलब जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हैं तब हम उसे नेटवर्क कह देंगे. ठीक है, नेटवर्क्ड कंप्यूटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज. ठीक है, यानी कि जो भी नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहते हैं. ठीक है, देन जो शेयर रिसोर्सेज होते हैं वो डेटा, यानी कि क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं कंप्यूटर्स एक दूसरे से. तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ जनरली ये लोग शेयर करते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, हार्डवेयर सच एज प्रिंटर हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं. नेटवर्क्ड कंप्यूटर जनरली इन्वॉल्व डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो नेटवर्क्ड कंप्यूटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ प्रोटोकॉल से चलते हैं, लाइक दैट. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द टर्म नेटवर्किंग रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड अपग्रेडिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़. ये सारी तुम्हें बेसिक चीज़ हो गई. अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जब कम्युनिकेट करते हैं टू यू नो व्हाट टू से विथ ईच अदर यूजिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल क्लाइंट, इट प्रोवाइड्स एन एक्सपेंसिव मोड फॉर ईजियर कम्युनिकेशन. यानी कि कम्युनिकेशन मतलब वही इंटरकनेक्ट, कोई भी कंप्यूटर जब कनेक्टेड हो एक से एक दूसरे से, या बहुत सारे कंप्यूटर जब कनेक्टेड हो जाते हैं कंप्यूटर से, देन कम्युनिकेशन होता है. जब हम लोग अपने एक मैसेज एक कंप्यूटर पे भेजते हैं, वो एक कंप्यूटर से हम लोग काफ़ी सारे कंप्यूटर पे बहुत ईजिली मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं. तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया. इसके अंदर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर अगर बात करें तो हम लोग इंटरकनेक्टेड जो भी कंप्यूटर है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो है उसमें हम लोग डेटा बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं. रिसोर्स शेयरिंग, हम लोग कोई भी रिसोर्स जैसे फाइल्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, वो आराम से हम लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, देन इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ऑल द इंटरनेट कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट पे, एक ही कॉमन हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड बाय शेयरिंग द बैंडविड्थ. ओके, डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो बिजनेस नेटवर्क ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटेड टू एडमिनिस्टर्ड ऑफिशियल्स टू शेयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. देखो डेटा सिक्योरिटी मतलब वही कि तुम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को शेयर करके रखे हो, तो इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो सिक्योरिटी मेंटेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, इन सम केसेज नेटवर्किंग कैन इंश्योर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट बाई शेयरिंग द कंप्यूटेशन मॉड्यूल्स बिटवीन वेरियस नेटवर्कड कंप्यूटर्स. अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस भी हैं या रिस्क भी होते हैं, जैसे वो हमारे एडवांटेजेस थे या हमारे डिसएडवांटेजेस है. जैसे कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरकनेक्टेड होना है, जैसे स्कूल्स में देखा होगा या ऑफिस बिल्डिंग्स में देखा होगा, एक कंप्यूटर तो होते नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे ये सारे एडवांटेजेस देखने को मिलता है कि आसानी से तुम किसी किधर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आसान होता है, शेयर कर सकते हो. डेटा शेयरिंग वही सेम ही टाइप है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो आराम से. देन इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सिक्योर डेटा रहता है. देन परफॉर्मेंस भी ठीक होता है. लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें ना, तो सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब सेट करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है. इन एक्सपेंसिव फॉर अ स्मॉल नेटवर्क बट एक्सपेंसिव फॉर द बिग वन, लाइक दैट. ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करें तो नेटवर्क्ड कम्युनिटीज रिक्वायर ऑन गोइंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लार्ज कम्युनिटीज ऑफन नीड टू हायर डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटेड सिस्टम फॉर मैनेजिंग लार्ज नेटवर्क. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कॉस्ट लगता है. अनडिजायरेबल शेयरिंग की बात करें तो समटाइम पीपल जो है वो शेयर कर देते हैं अनडिजायरेबल डेटा, जैसे वायरसेस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं.
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मतलब कि यू कह लो कि मतलब यू नो मिसयूज़ करने लग जाते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज का, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ यू नो डिस्ट्रैक्टिंग सा या मिसबिहेवियर से रिलेटेड कोई चीज़ें को सेंड करने लगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेटा की सिक्योरिटी के भी का भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि सिक्योरिटी का रिस्क क्यों है, बिकॉज हैकर्स इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द रीज़न, इसलिए पासवर्ड वगैरह थोड़ा सा ध्यान से सेव करना होता है। देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क के पांच मेन कॉम्पोनेंट्स होता है सर्वर, देखो हाईलाइट कर रखा है सर्वर, क्लाइंट, चैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर है यहाँ पे कुछ ड्राइंग के थ्रू बताया हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, ये तुम्हारा चैनल है, स्कैनर, लैपटॉप, देन प्रिंटर एंड देन तुम्हारा हो गया सर्वर। ठीक है, सर्वर जो होता है वो मेन होता है, जिससे जो होस्ट करता है कंप्यूटर को और स्टोर करता है डेटा, सारा डेटा जो है वो हमारे सर्वर में ही मौजूद होता है, यानी कि सीपीयू यहाँ पे तुम्हारा सर्वर है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एंड कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, एंड ये कनेक्शन का काम आई गेस तुम्हारा स्कैनर कर रहा है, जो कि हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम या चैनल आई गेस। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन, सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। क्लाइंट्स जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं, जो जिससे कंप्यूटर्स क्लाइंट्स आर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर दैट यूज नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज। चैनल्स जो है वो सर्किट्स हैं एंड या पाथवेज है जिससे कनेक्शन बना हुआ है, ये जो पाथवेज देख रहे हो ये तुम्हारा हो गया चैनल। ठीक है, देन लाइन बेस वायरिंग, देन कहाँ है तुम्हारा, ये देखो इट कैन ऑल्सो बी रेडिएटेड और वायरलेस मीडिया। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर के अंदर ही मौजूद है तुम्हारा। एंड इंटरफेयर्स एक है इंटरफेयर्स डिवाइस जो कि कनेक्ट करता है सर्वर और क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स तुम्हारे एक्चुअल में कंप्यूटर हैं, डिफरेंट कंप्यूटर है, लैपटॉप है और प्रिंटर है लाइक दिस। एंड ये जो तुम वायरिंग टाइप्स देख रहे हो ये हमारा हो गया यू नो चैनल, देन यहाँ पे है हमारा सर्वर एंड ये हमारा हो गया बीच में, ये भी कनेक्टेड है, सर्वर भी कनेक्टेड ही समझ लो, तो ये भी क्लाइंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लाइंट क्या है, कंप्यूटर, एंड एक हमारा है सर्वर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है बट इट्स ओके। क्लाइंट है, सर्वर है, फिर चैनल हम लोगों ने देखा, चैनल को मैं CH डिपिक्ट कर रही हूँ, तो एक हो गया तुम्हारा चैनल, देन एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है मैंने बात किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर के अंदर ही मौजूद होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा हो गया। तो ये जो हमारे बेसिक 4 हो गए, और एक क्या है, तो एक हम लोग जो मिस कर रहे हैं वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन चैनल हो गया, क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। तो अभी बचा है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या, इंटरफेस जो है ये ऐसे डिवाइसेज है जो कि कनेक्ट करते हैं सर्वर और क्लाइंट को। सर्वर और क्लाइंट को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा व्हाट नोन एज योर इंटरफेयर्स डिवाइस। अब यहाँ नीचे आ जाओ तो देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पहले से आई एस क्लास से तो पढ़ते आ रहे होंगे हम लोग अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क LAN जो कि हाई स्पीड में काम करता है, एंड फॉल्ट टॉलरेंट डेटा नेटवर्क होता है इसमें, लोकलाइज्ड नेटवर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन में कभी कभार पूछ भी सकता है। ठीक है, देन ये जो LAN होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मेनली होता है। इसका काम बोले तो ये शेयर करता है रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांसफ़र करता है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को बहुत फास्ट रेट में। लिमिटेड है इसका रीच और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो जनरली लेस एक्सपेंसिव है, मतलब सस्ते में हो जाती है देन दैट ऑफ मैन एंड वैन। देखो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क से स्टार्ट है, बट स्टार्टिंग एक्चुअल में बोले तो पैंस होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके बारे में मेंशन नहीं है, बिकॉज पर्सनल एरिया नेटवर्क और दोज नेटवर्क जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते रहते हैं हॉटस्पॉट वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, फ़ोन से कनेक्ट करना दैट पार्ट। देन द बुक इज़ मैंशनिंग अबाउट योर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज़ मैन, जो कि बिगर वर्जन है देन दैट ऑफ LAN। एंड इसकी बातें करें तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मैन जो है वो लार्जर एरिया कवर करता है देन दैट ऑफ LAN। इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर एंड इसका स्पीड जो है वो इतना है तुम्हारा। देन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है देन दैट ऑफ योर अगेन LAN। ठीक है, देन वाइड एरिया नेटवर्क,
वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो वैन होता है, और ये जो नेटवर्क है ये बहुत वाइड ज्योग्राफिकल एरिया या रीजन को कनेक्ट करने के लिए बना होता है. वैन जो है वो अनलिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है, एंड इसका जो इट इज़ वेरी सस्पेक्टेबल टू एरर्स ड्यू टू डिस्टेंस इन्वॉल्व. तो इसमें गड़बड़ी भी हो सकती है, या हाई स्पीड इंटरनेट का हम लोग गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकते, बिकॉज कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, देन कम्स इंटरनेट. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, कि हर कॉम्पोनेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है. इस बेसिस पे हम लोगों ने या कॉम्पोनेंट के बेसिस पे, कॉम्पोनेंट रोल के बेसिस पे हम लोगों ने नेटवर्क को डिवाइड कर रखा है इंटू टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स कहो या यू कहो कि टू ही टाइप्स हो गया. इस देखो थ्री टाइप्स है यहाँ पे आएगा इस बुक के हिसाब से. तो ये हो गया तुम्हारा पीयर टू पीयर नेटवर्क एक, दूसरा सर्वर मॉडल, और तीसरा है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है. तो पीयर टू पीयर से हम लोग बिगिन करेंगे. पीयर टू पीयर नेटवर्क वो होता है जहाँ पे हमारे जो नेटवर्क्स हैं, ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर इक्वल, जहाँ पे कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो इक्वल है. नन ऑफ दीज आर द सोल इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस, मतलब एक दूसरे से सारे के सारे ही कंप्यूटर्स, ऐसे इमेज में दिख रहा है सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है इक्वली. ठीक है, एंड मेंटेन करके रखते हैं इट्स इंफॉर्मेशन, एंड कैन सर्व बोथ एज सर्वर एज क्लाइंट. सर्वर एंड क्लाइंट दोनों ही यही है, मतलब क्या है, कंप्यूटर. कंप्यूटर क्लाइंट भी है एंड यहाँ पे सर्वर भी है. ठीक है, देन सच नेटवर्क इज़ प्राइमली यूज्ड इन स्मॉल कंपनीज या फिर होम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. ये कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को ताकि इंफॉर्मेशन शेयर हो सके. ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेस ये शेयर करते हैं, प्रिंटर्स, फोल्डर्स या पेरिफेरल्स. ईजी टू सेटअप है, आसानी से सेटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, एंड प्रोवाइड करता है लिमिटेड केपेबिलिटी. ठीक है, बट इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है. पीयर टू पीयर कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 पीयर्स एट अ टाइम. ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है. यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, नेटवर्कड कंप्यूटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज. ठीक है, आंसर है. देन कम्स योर सोर्स बेस्ड नेटवर्क, जहाँ पे सोर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. देखो सोर्स, वहाँ पे हम लोगों ने वो एग्जांपल एक थोड़ा डिस्कस किया था ऊपर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सोर्स जो है वो तुम्हारा सीपीयू है, बिकॉज यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड्स ग्रेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, देन विद अ डेडिकेटेड सर्वर, एक डेडिकेटेड सर्वर होता है. सर्वर बेस्ड मॉडल में जो है, या नेटवर्क में क्या होता है, एक ही सर्वर है और वही, या एक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर है एंड देन शेयरिंग हो रहा है. जैसे यहाँ पे देख लो इस इमेज में, ये एक सर्वर है एंड एक ही सर्वर में सारे इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है, एंड इसी से सारे क्लाइंट्स या अदर कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड हैं. ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड सर्वर कंट्रोल्स ऑल नेटवर्क ऑपरेशंस. ये डेडिकेटेड सर्वर जो है इसी में सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, एप्लीकेशन, पेरिफेरल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ख़राब ना लगे, तुम पढ़ पाओ लाइक दैट. देन कम्स योर क्लाइंट टू क्लाइंट बेस्ड सर्वर. देखो पीयर टू पीयर को पी टू पी भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ये मैंने बताना भूल गई, इधर सुन लो. पी टू पी के शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है, एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल को तुम्हारा क्लाइंट सर्वर मॉडल ही बोलते हैं, CSM भी बोलते हैं शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जो कंफर्म हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, देन कम्स योर, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, चलो कोई बात नहीं. क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है ना, मोर रिफाइंड एंड सर्वर बेस्ड. यहाँ पर सर्वर बेस्ड होता है, यानी कि डिपेंडेंट है सर्वर पे, विच एम्प्लॉयज़ द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ क्लाइंट वर्क स्टेशन, एग्जीक्यूट सम फंक्शंस लोकली एंड रिक्वेस्टिंग फर्दर प्रोसेसिंग फ्रॉम द सर्वर, इंक्रीजेज द ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड. द सर्वर on client-based network process the request and returns the result to the client rather than allocating the resources to them. In this manner they employ processing capabilities of both server and client computers. तो यहाँ पर क्या बोला है, वही सर्वर से कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर्स, सारे पेरिफेरल्स, एंड जो इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारे सर्वर का है. सर्वर को रिक्वेस्ट कि हम लोग भेजते हैं तो वहाँ से हमें आंसर के तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लाइक दैट. ठीक है, अब आता है हमारा थोड़ा सा नेटवर्क टोपोलॉजी, जहाँ जो भी हम लोग पहले से पढ़ते आए हुए हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है. तो ज्योमेट्री लेआउट होता है अकॉर्डिंग टू विच सर्वर एंड क्लाइंट्स आर कनेक्टेड वाया चैनल. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया. अब
ये हो गया तुम्हारा बस टोपोलॉजी, जहाँ पे कॉमनली यूज इन लैंड्स एंड जो क्लाइंट जैसे कि बस टोपोलॉजी का डायग्राम देख लो तुम लोग। चैनल जो है देखो यहाँ पे सिंगल चैनल है, सिंगल कॉमन चैनल है जिसे हम लोग बस कहते हैं, जो ये है। एंड इसी सिंगल कॉमन चैनल से सारे के सारे क्लाइंट्स या सभी जो कंप्यूटर्स हैं क्लाइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, एज वेल एज योर सर्वर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड हियर लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ टर्मिनेटर को, टर्मिनेटर इज़ नोन एज द वर्क स्टेशन, दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू सी। रिंग टोपोलॉजीज में क्या है कि एक रिंग टाइप का बना रहे हैं शेप, पहला तो ये ट्रिक हो गया तो मैं ध्यान में रखने का। देन सभी कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं इन लार्ज क्लोज्ड अप सर्किट, सो दैट ईच कंप्यूटर इज लिंक टू टू एडजेसेंट कंप्यूटर्स इन ईदर साइड। इन रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, मैसेज सेंट बाय आवर सेंडर इज रिसीव्ड बाय एवरी क्लाइंट इन द नेटवर्क। सो एक सर्वर है, सर्वर मेन, लेट सपोज सर्वर इसे इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो सारे जो हैं इन सभी को वही सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इधर से। ठीक है, तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो सभी को अपने आप ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा लाइक दिस। तो ऐसा मैं मिटा दे रही हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। यहाँ पे तुम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हुए चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो थोड़ा स्टार टाइप का डिज़ाइन फॉर्म करता है क्या, देखूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ट्राई मारने पे हो सकता है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इसे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक सर्वर है, बाकी सारे तुम्हारे वर्क स्टेशन हैं जो कि कनेक्टेड है सीधे सीधे लाइक दैट। अब थोड़ा सा पढ़ने के कष्ट कर लो, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड OSI मॉडल तुम लोग एक बार देख लो, बिकॉज जनरली बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आए, बट आ भी सकता है, अगेन मैं टाइम बोल रही हूँ, सो एक बार देख लेना। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो डिफाइंड एज वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, या इंटरनेट का डेफिनेशन सिंपल सा ये है कि इंटरनेट इज़ नोन एज द इंटरनेट इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। जब भी बहुत सारे इंटरनेट कंप्यूटर्स या बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक ही वाइड नेटवर्क पे इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हो तो वो हमारा इंटरनेट हो जाता है। ठीक है, आजकल के टाइम में हम लोग इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट का फिनोमेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रीड कर लो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आराम से समझ में आ जाएगा। देन कैसे वर्किंग होता है ऑन इंटरनेट, ये भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसमें डिटेल में जाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, इसीलिए अभी तक मेरा यही चैप्टर अभी तुम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसे पहले ख़त्म कर लेंगे तो टेंशन कम हो जाएगा। देन मॉडम की बात करें तो मॉडम जो है वो ट्रांसमिट करता है डेटा ओवर नेटवर्क, यानी कि जो मॉडम है, मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग नेटवर्क के थ्रू डेटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मॉडम के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड विच इज़ नोन एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता क्या है कि मॉड्यूलेटर जो है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स, एंड डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल्स पर। ठीक है, अब ये सारे बातें हो गई, अब इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना, जैसे ब्लॉग का डिफिनेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट और अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अ यूज़र, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, ब्लॉग पे हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म ध्यान में रखना, FTTP, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सो फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंप्यूटर है। देन डायल अप कनेक्शंस, ये वाला भी देख लेना एक बार कि डायल कनेक्शंस, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, देन आता है तुम्हारा वायरलेस फिडिलिटी। सो वायरलेस फिडिलिटी इज़ अबाउट कि तुम्हारा जो वाईफाई या वाईफाई का बड़ा फॉर्म है लाइक दैट, नहीं एक्चुअली तुम्हारा वाईफाई है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये है तुम्हारा वायरलेस फिडिलिटी जो कि वाईफाई का फुल फॉर्म है। वाईफाई को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरनेट के लिए, ताकि इंटरनेट जो है वो हमें मिल सके, राउटर के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वाईफाई जो है घर में सबको मिल पाए लाइक दैट। देन एक होता है वाई मैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन फुल फॉर्म के लिए। देन ये सब भी तुम देख लेना, हम लोग नीचे चलते हैं बिकॉज अब भी बहुत चीज़ें हैं, सो ये देख लेना एक बार,
क्योंकि मैंने इसे सॉल्व करके दिया हुआ है, अगर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं तो आराम से लिख पाओगे तुम लोग। अभी एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं थोड़ी सी, कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। द ईज़ ऑफ यूजिंग कंप्यूटर ड्यू टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और देयर कॉम्बिनेशन बाय द इम्पेयर्ड पीपल इज नोन एज कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक एवरी वन के नॉट सी, एवरी वन के नॉट लिसन, एंड एवरी वन के नॉट लाइक टच ऑल्सो, राइट। दिस काइंड ऑफ इम्पेयर्ड पीपल जो हैं बहुत से लोग हैं। हाँ, तो इम्पेयर्ड पीपल बहुत से लोग हैं जिन्हें हम लोग स्पेशल पीपल बोलते हैं। तो इन लोगों को ना कंप्यूटर चलाने में दे फेसिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज पीपल जो है इम्पेयर्ड पीपल, उनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ फीचर बनाया है हमारे कंप्यूटर में, इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, जिससे जो भी ऐसे इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड या फिर इस टाइप के इम्पेयर्ड टाइप के पीपल हैं या स्पेशल पीपल हैं तो उन्हें हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये हमारा कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शंस आया है। इस कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी के अंदर दे कैन यू नो कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जो दोज पीपल जो कि देख नहीं सकते हैं या फिर दोज पीपल जो कि टाइप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम इन हैंड और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए क्या होता है ना कि डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टाइप का है, और या फिर कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए भी ऑप्शन होता है जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या है कि हाई कॉन्ट्रास्ट थीम्स वगैरह या टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हें हेल्प करती है ये सारी चीज़ें, एनलार्ज वाला ऑप्शंस भी है, एनलार्ज कर्सर। देन एक्सेसिबिलिटी फीचर उन लोगों के लिए जो कि सुनने में प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर पूरी तरीके से सुन नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है कि यू नो कैप्शंस क्लोज करना, जिससे वो क्या कर सकें, थोड़ा देख सकें, देख देख के समझ सकते हैं लाइक दैट। देन मेनो ऑडियो सिस्टम जो कि ट्रांसफॉर्म करता है राइट ऑडियो को सिग्नल्स के फॉर्म में, तो जो बताया जा रहा है वो सिग्नल्स के फॉर्म में इंसान समझ सकता है, एयरबड्स के अंदर स्पेशल टाइप का होता होगा। देन हमारा एक्सेसिबिलिटी फीचर है लिमिटेड मोबिलिटी यूजर्स के लिए, तो उनके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह हैं, देन स्टिकी कीज हैं जो उन्हें हेल्प करेंगी। देन सीरियल कीज़ की बात है, तो सीरियल कीज़ क्या होती है, तो बेसिकली एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि अलाउ करती है यूज़र को टू कंट्रोल द कंप्यूटर विदाउट यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। बिना कीबोर्ड और माउस के तुम अपने यू नो बिना कीबोर्ड एंड माउस के हाउ कैन यू यूज़ अपना कंप्यूटर आसानी से, तो उन पीपल के लिए ये हेल्पफुल है क्या, सीरियल कीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है जिससे बोलने पे आई गेस सारा कंट्रोल हो जाता है लाइक दैट। देन ये एक मैंने एक सॉल्व कर रखा है, तुम लोग देख लेना एक बारी। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। देखो आगे जाने से पहले मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि ये जो चैप्टर्स हैं इट इज़ नॉट अबाउट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर्स को चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में नहीं समझना पड़ेगा, बट रादर तुम्हें यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और की वर्ड्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से मेनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर या यू गो 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस ही बनेंगे, कोई MCQs बहुत कम ही आएंगे या हार्डली आएंगे लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा है या थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स को समझने वाला। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब अपने दोस्तों से तो दिन रात तुम लोग फ़ोन पे बात करते रहते हो या मैसेजेस वगैरह करते रहते हो, राइट। तो वो हो गया तुम्हारा इंस्टेंट मैसेजिंग, जहाँ पे तुम लोग एकदम रियल टाइम बिताते हो और टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशंस करते हो इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। वो हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे कुछ ऐसे होंगे जिसका नाम तुमने मे बी सुना भी ना हो या सुना भी हो। एक होता है तुम्हारा गूगल हैंगआउट्स, Audium, Spark, Jabber, Yahoo Messenger, Skype। ये बेसिक वाले कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग के तुम्हारे मैसेजिंग ऐप हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे काम कैसे करते हैं, तो ये तुम लोग देख लो क्योंकि यहाँ पे इसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। देन यहाँ पे यहाँ देख लो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, फुल फॉर्म ध्यान में रखना। इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टेंट मैसेजिंग में। क्यों? क्योंकि ये डिलीवर करता है मैसेजेस को क्लाइंट तक, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजना हो तो ये भेजने का काम जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थोड़ा तो नीचे में देखते हैं, रूल्स हैं एंड इक्विटीज़ है जो कि फॉलो करते हैं हम लोग वाइल्ड चैटिंग, बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चैटिंग है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब हम लोग स्ट्रेंजर से कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, तो वही सारी बेसिक से रूल्स यहाँ पे बताई हुई हैं। जैसे कि जब भी बातें करो जिनको तुम जानते हो तो उन्हें फॉर्मल ग्रीटिंग दो, जैसे गुड मॉर्निंग लाइक दिस। ठीक है, देन इंश्योर कि जो मैसेजेस है वो शॉर्ट हो एंड आराम से सिंपल आइडियाज़ में सिंपल चीज़ें हो लाइक दैट। कम्युनिकेट करो तो समझने की करो, मतलब समझने का कोशिश करो कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, मतलब फीडबैक लेने की कोशिश करो टाइप, या फिर तुम ये करो कि उससे भी बोलने का मौका दो लाइक दैट। ठीक है, नहीं तो रिसीवर जो है वो या फिर सुनने वाला जो है वो अपना इंटरेस्ट खो के चला जाएगा, तुमसे बात नहीं करने वाला। गिव रिसिपिएंट टाइम, और उसे थोड़ा समय दो कि वो भी थोड़ा रिप्लाई दे, कुछ बोले कुछ ऐसा। ठीक है, और बाकी सारे कुछ और रूल्स हैं, रूल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे चैट स्ट्रेंजर से बातें मत किया करो, देन कीप इन टच रहा करो। कीप इन टच मीन्स एब्रिविएशंस का यूज़ किया करो, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह चैट में यूज़ करने में मज़ा आता है, थोड़ा चैट को मतलब एक्टिव बनाता है टाइप। एंड चैट विद अ क्लोजिंग मैसेज। ठीक है, इंश्योर करो कि पर्सन जिससे तुम बात कर रहे हो वो बिजी ना हो, अगर बिजी हो तो फिर बात नहीं कर पाएगा ना वो डेफिनेटली। देन अटेंटिव रहो जब बातें करो तो मल्टीपल पर्सन से, लेस्ट यू माइट मिस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एंड बी अटेंटिव ड्यूरिंग चैटिंग विद मल्टीपल पीपल, जब भी बहुत सारे लोगों से बात करो तो ध्यान रखना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए। अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस या फिर ब्लॉग्स, तो ये तुम लोग देख लेना। ब्लॉग्स क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट होता है, वेबसाइट होता है, नॉट पार्ट ऑफ वेबसाइट, ये गलती से दिया हुआ था मैंने, काट दिया है। वेबसाइट होता है ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ब्लॉग का काम मतलब ब्लॉग्स वगैरह बना बना के कर लेते हैं हम लोग। तो ब्लॉग क्या होता है ना, रीडिंग में थोड़ा मेहनत लगता है, तो ब्लॉग में क्या होता है, बस देख लो सुन लो हो गया राइट। तो ब्लॉग की डिमांड कम हो गया, बट ब्लॉग भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोग एकदम पढ़ते ही नहीं ब्लॉग, ऐसा भी नहीं है। तो ब्लॉग की बातें करें तो ब्लॉग जो है वेबसाइट है जिसमें हम लोग देखते हैं थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर होता है, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इंटरनेट के यूजेज भी होता है, इंटरनेट की ज़रूरत भी पड़ती है। एक डॉक्टर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो इंसान जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे हेल्प मिल जाती है, पता चल जाता है कि ऐसी लाइफ होती है डॉक्टर की, तो एक एग्जांपल हो गया। ब्लॉग्स जो हैं वो पर्सनल होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या जनरल भी होते हैं। जैसे कि पर्सनल हो गया तो भाई यूज़र अपने बारे में, डेवलप बाय यूज़र ऑफ फॉर हीज़ और हर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल ब्लॉग्स बनाते हैं लोग। कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स वो ब्लॉग्स होते हैं जो कि बिजनेस जनरेट करने वाले ब्लॉग्स होते हैं। जनरल ब्लॉग्स वो ब्लॉग्स होते हैं जिसमें फैशन रिलेटेड, म्यूज़िक रिलेटेड, पॉलिटिकल ब्लॉग्स रिलेटेड होते हैं। देन हो गया तुम्हारे क्रिएटिंग अ ब्लॉग यूजिंग वर्डप्रेस, कैसे वर्डप्रेस को यूज़ करके तुम लोग अपना ब्लॉग बना सकते हो, तो वो वाला पार्ट तुम लोग देखते चलो। ठीक है, क्विक क्वीज़ यहाँ पे मैंने बड़ा सा लगा दिया ताकि तुम लोग यहाँ पे भी ध्यान दो, इस टाइप के बॉक्सेस आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि अभी एक सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो तुम्हारा एक कोई कौन सा है जो ब्लॉग नहीं है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, अभी पॉज करके वीडियो। पर्सनल है या फिर पॉलिटिकल ब्लॉग, जनरल ब्लॉग या कॉर्पोरेट ब्लॉग, इनमें से कौन सा जो है वो ब्लॉग नहीं है? पर्सनल ब्लॉग अभी हम लोगों ने पढ़ा था राइट, तो ये ब्लॉग तो है बाबा। पॉलिटिकल ब्लॉग क्या है? पॉलिटिकल ब्लॉग भी तो पढ़ा ही था ना, अभी अभी पढ़ा था। एंड जीनर ब्लॉग भी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, बट कॉर्पोरेट ब्लॉग क्या हम लोगों ने पढ़ा था? चलो आंसर देख लेते हैं। देखो आंसर है पॉलिटिकल ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग कोई ब्लॉग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आओ, यहाँ पे तो एक ब्लॉग दिया होता पॉलिटिकल करके,
पॉलिटिकल ब्लॉग्स, पर वो ब्लॉग्स एक टाइप नहीं होता ना, ब्लॉग के टाइप में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ब्लॉग के टाइप में पर्सनल था, कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल था, जीनर और ब्लॉग था। पॉलिटिकल ब्लॉग्स अलग से ब्लॉग्स नहीं होते, बट उसी के अंदर आते हैं, जीनर के अंदर। ठीक है, तो देखो मैं अभी कभी कभार गलत आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। देखो मैं गलत आंसर नहीं दे रही थी, बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही थी कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा याद होना चाहिए आंसर यहाँ पे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब तुमको आंसर ज़्यादा सा याद होने चाहिए, लाइक दैट। अब कुछ ऑफलाइन ब्लॉग्स होते हैं वो देख लो, जैसे कॉमा हो गया, ब्लॉग डेस्क, ब्लॉग जेट, विंडो लाइव, राइटर, ये टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आ जाओ ई कॉमर्स को एक बार देखते चलो, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड जहाँ पे हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं टू सेल, कोई भी प्रोडक्ट हमारा है तो हम उसे बेचना चाहते हैं या फिर खरीद रहे हैं या कोई भी सर्विस हम लोग ले रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोग काफ़ी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, कुछ लोग काफ़ी सेलिंग भी करते हैं एंड कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे तुम्हारे देख ले रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं। एंड ई कॉमर्स की वजह से ट्रांजिशन की भी डिमांड हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजिशन वगैरह होने लगी हैं। अब ट्रांजिशन क्या होता है तो वो देख लेते हैं, ये सारी चीज़ तुम एक बार पढ़ लेना कि क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंशन है कि ई कॉमर्स से क्या हो रहा है, बिजनेस ट्रांजिशन हो रहा है ईजिली एंड एफिशिएंटली, टाइम बच रहा है हमारा, राइट। वो सारी चीज़ें हैं, वो तुम लोग देख लो एक बारी। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन के बॉक्स में। तो ट्रांजेक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग रिक्वायर्स डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस। अ डेटाबेस इन टर्न इज अ शेयर्ड रिसोर्सेज दैट स्टोर्स डेटा एंड मल्टीपल यूजर्स। देखो ट्रांजेक्शन्स मतलब हम लोग देना, शेयर करना, ठीक है। ट्रांजेक्शन मतलब हम लोग शेयर करते हैं, लाइक दैट, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। एंड जनरली ट्रांजैक्शन का मतलब हम लोग ये जानते हैं ना कि मनी ट्रांजैक्शन, कि पैसा का लेन देन टाइप्स, है ना। तो यहाँ पे वही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, एक बार ही देख लेना, नज़र डाल लो लाइक दैट, ठीक है। यहाँ देखो सिक्योर पासवर्ड, अब हम लोग के बहुत सारे इंटरनेट का यूजेज होता जा रहा है, इंटरनेट के यूजर्स में हम लोग फेसबुक है, इंस्टाग्राम और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर भी है, राइट, लैपटॉप भी है, तो इन सभी जगहों पे मोबाइल भी है, तो इन सभी जगहों पे नेटवर्क, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो पासवर्ड जो हम लोग रख रहे हैं वो थोड़े से बढ़िया होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ टैबलेट्स वगैरह में, वो मैंने बताया था अभी, ताकि हैकर्स वगैरह से स्पेशली बचा रहे। तो कुछ टिप्स है जिससे हम लोग अपने पासवर्ड को थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं। देखो पासवर्ड के मामले में मेरा तो छोड़ ही दो, मैं भूल जाती हूँ हमेशा पासवर्ड, तो मेरा छोड़ ही दो, तुम लोग थोड़ा सा देख लो, मैं भी थोड़ा सा सीख लूँगी यहाँ से। देखो पासवर्ड क्या होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए उसकी 8, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। पासवर्ड जो है वो क्रिएटिव रखो, कुछ ऐसा जो कि अपर केस हो, थोड़ा लोअर केस हो और सिंबल हो कुछ, ठीक है। देन यूज़र नेम पासवर्ड किसी से शेयर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट शेयर वाला। देन राइट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन नोटबुक एंड पेपर, क्योंकि इतना क्रिएटिव रखोगे तो भाई ज़रूरी नहीं है कि याद रहे हर टाइम, तो उसे लिख के रख लो। देन पासवर्ड जो है वो डिक्शनरीज में इंक्लूडेड मत रखना, इंश्योर दैट पासवर्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन पासवर्ड डिक्शनरीज। एक पासवर्ड डिक्शनरीज या पासवर्ड बुक्स आते हैं तो उसमें तो एकदम मत लिखना अपना पासवर्ड, नहीं तो आराम से किसी को भी मिल जाएगा। रैंडम पासवर्ड जनरेट करो, ठीक है। देन पासवर्ड जो है 6 मंथ्स में चेंज करते रहो, ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वैसे भूल भी सकते हो तो अपने हिसाब से देख लेना। देन पासवर्ड जो है वो मैच नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास्ट वाले पासवर्ड से। पासवर्ड मोबाइल इंश्योर करो कि पासवर्ड जो है वो तुम्हारा बाइक नंबर ना हो, मोबाइल नंबर ना हो, पेट नेम ना हो, फेवरेट कलर ना हो, चाइल्डहुड नेम भी ना हो। देन इंश्योर करो कि वो डिफरेंट पासवर्ड रखो, जो मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का हो, ठीक है। टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन रखो जिससे तुम्हारा पासवर्ड सेफ रहे और तुम्हारा फ़ोन भी सेफ रहे, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ इंटरनेट सिक्योरिटी पे। तो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इंटरनेट भी हमारे सिक्योर होना चाहिए, यानी कि वही जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एक हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ कौन सा चैप्टर था जहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, एंटीवायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ा था,
ICT स्किल्स में पढ़ा था। तो ये वही चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर वो वाला वीडियो तुम लोगों ने देख रखा है तो फिर तो ये वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा इन डिटेल बताया था। यहाँ पे देखो कंप्यूटर वायरसेस को एक्सप्लेन किया गया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला ट्रोजन हॉर्स जो तुम लोगों के सैम्पल पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, तो ये वाला ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा किस टाइप के अटैक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। हैकिंग वगैरह हो जाती है, पासवर्ड क्रैकिंग, स्पूफिंग, ये सारी चीज़ें हैं। देन तुम आ जाओ नीचे, यहाँ पे इंटरनेट रिजॉल्विंग, ये वाला भी मैंने इंक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। फायरवॉल भी हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। बाकी से बेसिक्स चीज़ें हैं जो तुम्हें यूजुअली पता होती है, तो थोड़ा सा रीड कर लोगे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है तो दिक्कत नहीं होगा। एंड रीड करने के लिए तुम्हें PPT चाहिए या PDF चाहिए डेफिनेटली, तो वो तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन पूरा लास्ट वीडियो में किया हुआ था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे भी एक चैप्टर था जहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेंटेनिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, तो ये थोड़ा सा यू नो बहुत इजी पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा ही समझा दूँगी पूरा। ठीक है, वर्क प्लेस तुम लोग जानते हो जहाँ पे हम लोग काम करने जाते हैं, जैसे कि बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जॉब करते हैं। ठीक है, तो जॉब करने के लिए वो किसी जगह पे जाते हैं, वो ऑफिस होता है उनका, तो ऑफिस में जो हमारा वर्क प्लेस हो गया, तो ऑफिस जो है वर्क प्लेस हो गया, वहाँ पे हम लोग को कुछ सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती है अपने हेल्थ से रिलेटेड। सो वो क्या है, जैसे फायर डायरेक्शन सिस्टम, उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए कि भाई फायर वगैरह ना लग जाए। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो जब ज़रूरत पड़े तो, वर्कर्स जो है और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना फायर एस्केप कर सकें, तो ये एक प्री प्लान चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इक्विपमेंट्स जो भी होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स वो रेडी रहें। देन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए कि कहाँ क्या रखा हुआ है, इमरजेंसी फायर इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, कैसे उससे डील किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंशनड हो लाइक दैट। देन अलार्म होना चाहिए जो कि प्रेस हो जाए जब भी फायर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में, कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो अलार्म होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉल स्लिप के टिप्स भी होते हैं कि कभी हम लोग यू नो पानी वानी गिरा हुआ है या फिर हम लोग कहीं गिर विर ना जाए स्टेयर से, सो उसके लिए तुम्हारा बेसिक से कुछ है वर्क प्लेस पर ऐसा ना हो, तो ये सब तुम लोग रीड कर लेना बेसिक से। देन है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, तो इससे भी देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बचते हैं, तो ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर्स लिखे जा सकते हैं अगर आया भी गया तो। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड क्या होता है हमारा तुम्हें पता ही है, फर्स्ट एड इनिशिएटेड इनिशियल एंड गिवन टू इंजर्ड और सिक पर्सन टू सेव हिज और हर लाइफ बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, कोई भी मेडिकल असिस्टेंस के आने से पहले जो इनिशियल एड दिया जाता है, जैसे लेट सपोज किसी का हाथ बहुत सीवियर कट आ गया किसी के हाथ में, तो सबसे पहले तो हमें इनिशियल स्टेप लेना होगा कि कोई भी कपड़ा लेके उसका हाथ बांधना पड़ेगा। ठीक है, देन उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो कपड़ा लेके हाथ तो बांधना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि मतलब हाथ भी सीवियर कट आ गया हम लोग ऐसे ही लेके घूम रहे हैं उसका हाथ ऐसे ही, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एड मतलब जो इनिशियल एड होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू द यू नो पेशेंट, हॉस्पिटल में जाने से पहले या डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, मेडिकल असिस्टेंट से पहले, तो ये हो गया फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ टिप्स है कि मतलब जैसे कि फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए तुम्हें और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे क्या करना चाहिए मैं दो एग्जांपल बता रही हूँ। सबसे पहले तो विक्टिम की विक्टिम पे ध्यान दो कि जो जिसका हाथ कटा है वो कैसा है, मतलब ठीक है उसका ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो उसको रोकने का कोशिश करो। देन इमीडिएट हेल्प बुलाने की कोशिश करो लाइक दिस, ये बेसिक से है। देन विक्टिम को जो है बहुत ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत, ठीक है। देन अगर कोई डू नॉट अप्लाई टोर्निकेंट, कुछ भी अप्लाई वगैरह मत कर दो, ठीक है। अगर कोई भी ऑयलमेंट तुम लोग डू नॉट यूज़ एनी बर्न ऑयलमेंट, ये सारी चीज़ें तुम्हारा आ जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई वूंड है तो फिर साफ़ कपड़ा लेके उसे हाथ उसके हाथ में बांध दो, ठीक है, कोई भी घाव वगैरह या कट वगैरह हो गया लाइक दैट। एक्सीडेंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए या टाइप्स पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। एक्सीडेंट क्या होता है कि वही हमारा अनफॉर्चुनेट इवेंट जो कि कभी भी अनप्रेडिक्टेबली या अनइंटेंशनली हो जाता है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना, नज़र मार लेना। केस स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरजेंसी पर आ जाओ, तो इमरजेंसी क्या है कि भाई इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, ठीक है। इमरजेंसी इज डिफाइंड एज एन
अनफॉरसीन सिचुएशन जहाँ पे हम लोग को इमीडिएट हेल्प या इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है, या तो वो हेल्थ पे प्रॉब्लम रिस्क हो जाता है, या लाइफ पे रिस्क हो जाता है, वेल्थ यानी कि पैसा पे, या फिर एटमॉस्फेयर पे रिस्क हो जाता है। एग्जांपल देखें तो फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फ्लड हो गया, तो ये कभी कभी भी आ सकते हैं। तो ये हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन। जब भी इमरजेंसी हो तो इवैक्यूएट कैसे, भागे कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर ले रही हूँ सो दैट ये थोड़ा सा दिखाई दे। यहाँ पे ये वाला जो इमेज है वो देखो, सिम्बॉल्स जो कि यूज़ होता है इमरजेंसी एंड एक्सकवेशन के प्लान्स में, तो सिम्बॉल्स अपने ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो, ठीक है, कि फायर एक्सटिंग्विशर इस डायरेक्शन में, देन फायर इमरजेंसी कॉल, टेलीफोन, इस टाइप का, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हेल्प करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड देन आ जाओ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हैज़ार्ड्स में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे फिजिकल हैज़ार्ड्स हो गया, कोई भी इंसान जो है वो फ्लोर से गिर गया लेट्स सपोज, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइस में काम कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फायर एक प्रॉब्लम हो गया, तो ये फिजिकल हैज़ार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा एनग्रोमिक हैज़ार्ड, जिसमें वर्क कंडीशन में प्रॉब्लम, या एनवायरमेंट में प्रॉब्लम, या बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर अल्टीमेटली जो एम्प्लॉई है उसको प्रॉब्लम हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, पेन हो जाता है, वो हो जाता है तुम्हारा अर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। देन साइकोलॉजिकल, मतलब तुम्हारा माइंड रिलेटेड, जब तुम परेशान वगैरह हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है, सीनियर्स तुम्हें परेशान कर देते हैं, या जो तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उस टाइम में फिजिकल साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हो जाते हैं। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब होना, लाइक दैट। केमिकल हैज़ार्ड मतलब तुम्हारा जो व्हाट टू से, कोई भी केमिकल सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो रिसोर्सेज ऑफ केमिकल हैज़ार्ड्स, केमिकल हैज़ार्ड्स जैसे कि एसिड्स वगैरह से रिलेटेड तुम्हें रिएक्शंस अगर बॉडी में वगैरह हो गया तो। देन सेफ्टी हैज़ार्ड्स जो होते हैं, तो रेफर्स टू हैज़ार्ड जो कि क्रिएट करता है अनसेफ वर्किंग एटमोसफेयर। ये सोर्स है, द सोर्स ऑफ सेफ्टी हैज़ार्ड्स आर अनगार्डेड मशीनरी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लूज और फ्रेड कारपेट्स, हैंगिंग केबल्स, फॉल्टी केबल्स, अनसेफ एंड मैल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स, तो कुछ भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सेफ ना होना, ठीक है, जैसे कि कोई भी तार वगैरह ऐसे पड़ी हुई थी तो उससे प्रॉब्लम हो जाते हैं इंसान को, तो ये सारी चीज़ें आ गई। ये है तुम्हारा लास्ट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर, दैट इज़ हेल्दी लिविंग, कि कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बना सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी नज़र मार के रखो। खाना हेल्दी होना चाहिए, उससे हमारा लाइफ स्टाइल बढ़िया होता है, तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इंडिविजुअल को क्या फॉलो करना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, हेल्दी फूड खाओ सबसे पहले, स्ट्रेस को मैनेज करने सीखो बाय यू डूइंग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज लाइक दैट, और हाइजीन, थोड़ा साफ सुथरा से रहो, ठीक है, ब्रश दो टाइम करो, ठीक से टाइम पे नहा धो लो, ये सारी चीज़ें बेसिक हाइजीन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, आसपास चीज़ों को साफ रखो। क्लीन द वर्क स्टेशन, जहाँ पे भी काम करते हैं हम लोग उस जगह को साफ रखना, ब्रेक्स, काम के बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, जैसे कि मैंने अभी बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, देखो 48 मिनट्स कंसिस्टेंटली हो गए। मेंटेन गुड पोस्चर, अपने पोस्चर को मेंटेन हमेशा रखा करो, ठीक है, ड्रिंक पानी पीते रहो, जैसे वीडियो भी देख रहे हो तो बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहो। टेक क्वालिटी स्लीप, जैसे एग्जाम है कल, तो एकदम क्वालिटी स्लीप बढ़िया से रखो, ठीक है। Do not sit on chair for long, बहुत ज़्यादा टाइम तक चेयर पर नहीं बैठाना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेते हुए थोड़ा टहल वहल लेना चाहिए, लाइक दैट। डो फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्मोक फ्री इन्वायरमेंट में रहो। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये तुम्हारा समरी है, रीड मार लेना एक बार, PPT या PDF, बाप हमें PPT बोल देते, PDF तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में ओवरऑल क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे, देन हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 12 मार्क्स का वेटेज आई गेस कैरी करता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन होता है, जब भी हम इंफॉर्मेशन को या डेटा को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को, या फिर डेटा यू कहो, उसे हम लोग ऑर्गेनाइज मैनर में संभाल के ढंग से रख देता है, तो उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को एकदम संभाल के बढ़िया से रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके, तो वो हो गया तुम्हारा डेटाबेस, ठीक है।
बिफोर द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब पेपर्स और फाइल्स में हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को जितने भी इम्पॉर्टेंट हो हम लोग उसे संभाल के रखा करते थे। बट ये जो इन्फॉर्मेशन थे इन्हें पेपर्स और फाइल्स में रखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे हाथों को हो जाती थी। सो यही प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो कि एनकाउंटर हुए तब जब हमारा जो कंप्यूटर है वो आया बन के, और कंप्यूटर में भी स्पेशल काम आया डेटाबेस का, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड उस डेटाबेस में जो पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर की वो कम होती है, बोथ एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा, यानी कि जब भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो भी हमें दिक्कत नहीं होती अगर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में बढ़िया से रखा है तो, लाइक दिस। नेक्स्ट, विद अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स वही चीज़ें हैं, तो अब यहाँ पे देखो डेटाबेस बिकेम मोर इजियर, कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम कॉमनली नोन एज डेटाबेस यू नो मैनेजमेंट सिस्टम DBMS मेड प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे वापस से देखना होगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बट रिटन पेपर्स में अगर देखने चाहूँगी तो हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम, देन ठीक से अगर पेन नहीं चला होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है बेसिक, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है डेटाबेस के बाद से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद आने के बाद से। तो भाई सबसे पहले बताया हुआ है कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है कि बहुत सारा, जैसे कि ये देख लो अनऑर्गेनाइज डेटा ही इन्फॉर्मेशन कहलाता है तुम्हारा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे बहुत अनऑर्गेनाइज डेटा यानी कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, जॉन मैरी 34 MF 23, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जब मैंने इसे स्टोर करके रखा है तो तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर दिया एक टेबल में ढंग से, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज हो गया, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा डेटा बन गया। तो एक्चुअल में डेटा क्या होता है, डेटा जो है वो एक कलेक्शन होता है ऑफ अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स सच एज सिम्बॉल्स लेटर्स और नंबर्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम एक अनऑर्गेनाइज थिंग्स को कलेक्ट करके ढंग से रख देते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा डेटा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग ऑर्गेनाइज मार देते हैं तो वो हमारा डेटा हो जाता है। देन द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म को बोला है, चलो ठीक है उल्टा कर लो, अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट को हम लोग या फैक्ट्स को हम लोग डेटा बोल देंगे एंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट को इन्फॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजिली बी एक्सेस मैनेज और अपडेटेड। अब जब भी देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है इस बॉक्स में, थोड़ा सा मैं इरेज करूँगी ताकि चीज़ें और मैं अच्छे से समझा पाऊँ, या एक सेकेंड ना, कलर मैं ब्लैक ले लेती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रेडी यूज़ किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैंने इन्फॉर्मेशन को सेट तो किया है, बट अब इस इन्फॉर्मेशन में मेरे को चेंजेस लाना होगा तो मैं आराम से ला दूँगी, ठीक है, देन यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ ऐड ऑन भी करना होगा तो मैं आराम से यहाँ पे ला दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस, डेटाबेस मतलब जब भी हम इन्फॉर्मेशन को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, उसे आराम से मैनेज कर सकते हैं, अपडेट ला सकते हैं यूज़र के द्वारा नहीं मेरे द्वारा, तो वो हो गया हमारा डेटाबेस, ठीक है। जिस एप्लीकेशन मैंने यानी कि जो एप्लीकेशन जो है हमारा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कंट्रोल करते हैं, द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूज़ ऑफ डेटाबेस, जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं या अरेंज करके रखते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में, वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहलाता है। ज़्यादा ही कहलाता हो गया, वेल DBMS हमारा ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। देन ये यूज़र्स को हेल्प करता है अपने इन्फॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करने में इन अ प्रॉपर वे। देन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी, जैसे कि डेटा डुप्लीकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है क्या कर देता है, ये सेपरेट एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर सेपरेट फाइल्स डेटा एंड द सेम डेटा रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि कभी कभार क्या होता है ना कि डेटा डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि हम एक ही एप्लीकेशन में एक ही तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, हमें अलग अलग काइंड ऑफ फाइल्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो हमारा डेटा डुप्लीकेशंस हो जाता है। देन डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ये तब होता है जब हम सेम डेटा को डिफरेंट फाइल्स में रख देते हैं और उसे अपडेट ही नहीं करते, तो वो हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाता है। डेटा इंटीग्रेशन, ये डिफ़िकल्ट होता है टू फेच द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी फाइल्स एज सच एज डेटा फाइल,
देन डेटा इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब सिक्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है फाइल्स इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एज ईच डेटा फाइल इज़ एसोसिएटेड विथ यूनिक एप्लीकेशन, पुअर डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि जो डेटा मैनिपुलेशन है मतलब हम ठीक से अपने इन्फॉर्मेशन को अपने डेटा को यूज़ नहीं कर पाते, तो वो हो गया यहाँ पे। देन आ जाते हैं हम यहाँ पे DBMS जो है उसे हम लोग ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब उसके अंदर के कुछ कॉम्पोनेंट्स को या पैरामीटर्स को समझ लें। जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, देन उसे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करके मतलब प्रॉपर चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं जो रिक्वायर्ड है लाइक दैट, ठीक है। देन हम उसे कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर आ जाओ और मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ यहाँ पे, या और यहाँ आ जाओ थोड़ा सा एंड यू सी दिस पार्ट, ये वाला दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज डेटा। तो यहाँ पे नेम के अंदर नेम ही लिखना है, जेंडर के अंदर जेंडर ही लिखना है, एंड एज के अंदर एज ही लिखना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर तुम नहीं कर सकते, नेम की जगह पे तुम 34 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो जाता है तुम्हारा यहाँ का। तो नीचे आ जाओ, हम लोग क्या समझ रहे थे, ये कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगरीज़, यानी कि जो कैटेगरीज़ है उस कैटेगरी में वही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि एज वाले में एज ही लिखना है तुम्हें और नेम वाले में नेम ही लिखना है, लाइक दैट। रिट्रीविंग, रिट्रीविंग मतलब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक बचा के रख पाते हैं, यानी कि स्टोर करके रख पाते हैं, जब भी ज़रूरत हो उसे हम लोग ले भी लेते हैं, या जब भी ज़रूरत हो हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन की हम आसानी से उसे फेच कर पाएँ, तो वो हो गया हमारा रिट्रीविंग, ठीक है। तो वो भी हमारे DBMS में हो जाता है। तो ये उसका बेसिक पैरामीटर्स है, जो तुम्हें पता होगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि DBMS ऑल अबाउट है क्या। ये थोड़ा सा देख लेना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो कि जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट या नहीं है। फ्लैट फाइल, ये ऐसा मतलब रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटाबेस जहाँ पे एक सिंगल या एक ही फाइल जो है सिंगल फाइल सिंगल टेबल और फाइल स्टोर्ड ऑल द डेटा, एक ही सिंगल फाइल है, एक ही सिंगल जो तुम्हारा टेबल है उसी में सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसी में सीरियल नंबर है, इसी में एम्प्लॉय का नाम है, कोड है एंड सैलरी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी दो चार एज वगैरह, ठीक है, वो भी दी हुई है, एंड देन अटेंडेंस, वो सारी चीज़ें एक ही टेबल में मेंशन है, तो वो हमारा हो जाएगा फ्लैट फाइल, ठीक है। देन जो जिसका इमेज यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैट फाइल का ही, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ देखो आई गेस यही है इसका टेबल भी आई गेस, हाँ देखो रिलेशनल में क्या हो रहा है ना कि ये डेटाबेस है, मतलब यहाँ पे यूँ समझ लो कि एक टेबल है, एक टेबल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा टेबल है जहाँ पे उसी एम्प्लॉय का के बारे में लिखा हुआ है कि उसका क्या काम रह चुका है, तीन काम उसके बारे में लिखे हैं, उसके बारे में तीन चीज़ें जैसे उसका एज, उसका हाइट, उसका अदर क्राइटेरिया, उसका काम रिलेटेड चीज़ें, देन तीसरे में उसी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मेंशन है, तो ये हो जाएगा हमारा दैट कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक ही बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स हैं, तीन टेबल्स हो गए या चार टेबल्स हो गए और इन सभी टेबल्स में एक ही चीज़ मेंशन की हुई है। सो रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि डेटा स्टोर्ड है बट मल्टीपल टेबल्स में, ठीक है, ऑल अबाउट दैट ओनली। देखो ये टेबल थोड़ा सा मैं टेबल जैसा बना दूँ क्योंकि ये टेबल टेबल नहीं लग रहा, बस एक डंडा लग रहा है, देखो ये थोड़ा टेबल बनाने की कोशिश की मैंने। अब आ जाते हैं हम नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है, रेफर्स टू ऐसे सेंट्रल डेटाबेस जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल लोकेशंस में विद इन अ नेटवर्क, यानी कि वही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब एक ही डेटाबेस है सेंट्रल जो कि इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है इधर से एंड इधर से लाइक दैट, ठीक है। डेटाबेस के लैंग्वेजेस होते हैं जैसे SQL जो है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, देखो मैंने नीचे इधर लाओ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया तुम्हारा SQL, ये लैंग्वेज होता है जिसमें तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके तुम लोग रखते हो, ठीक है। SQL SQL जो है वो बहुत सारे कमांड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग क्रिएट या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। SQL के कमांड्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में मेंशनड हैं, ठीक है, जैसे एक हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, फुल फॉर्म ध्यान रखना,
एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, देन ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें तुम थोड़ा सा देख लीजिए। रिलेशनल डेटा बेस को अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। DBMS यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, अब थोड़ा रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट या रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट RDBMS थोड़ा सा समझेंगे। बेसिकली ये एक रिलेशनल मॉडल की तरह, यानी कि बहुत सारे टेबल यूजेस टेबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एलिमेंट्स एज वेल एज रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, यानी कि एक टेबल नहीं होगा, एक से ज़्यादा मल्टीपल टेबल्स में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा होगा या डिवाइड करके रखा होगा, लाइक दैट। टेबल्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाई प्राइमरी की, और टेबल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के हेल्प से, और यहाँ पर रिलेशनशिप्स जाने की कोशिश करते हैं कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड है, लाइक दैट। RDBMS ऑल्सो यू नो अलाउज मैनिपुलेशन, जिससे तुम यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को, वेरियस रिलेशनल ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक दैट। जैसे कि क्या कहते हैं, यू कैन परफॉर्म वेरियस डेटा बेस ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल डेटा बेस यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ RDBMS ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन अगर आया RDBMS पे तो आराम से लिख पाओगे। देन कम योर डेटा स्टोरेज, जहाँ पे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के बारे में लिखा हुआ है, तुम लोग एक बार देख लेना। टेबल इंटरसेक्ट रोज एंड कॉलम्स, सेल क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन सेल का दिया हुआ है, देन सेल रेंज का भी यहीं पे डेफिनेशन तुम्हारा दिया हुआ है, तो एक बार ही देख लेना। देन आ गया तुम्हारे टेबल्स क्या होता है, तो टेबल्स तो बहुत ही जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है टेबल्स के बारे में कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, ठीक है। डेटा स्टोर होता है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज़ द थिंग। और भी बहुत से वेज हैं जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशनड हैं। देन आ जाते हैं हम लोग अपने सॉर्टिंग डेटा इन टेबल। शॉर्टिंग डेटा मतलब हमारा अरेंजमेंट, हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हम लोग उसे लिखते हैं या सेव करते हैं, तो वो हमारा शॉर्टिंग हो जाता है ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीचे चलते हैं हम लोग, क्या है रिलेशनशिप्स, इसे एक बार ही देख लेना, 1, 2, 2, 3 लाइक दैट। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इधर ही से आएंगे। देन हैंडलिंग क्वायरी यूजिंग SQL कमांड्स, ठीक है, इससे भी एक बार ही देख लेना कि देखो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ऐसा होता है, ठीक है। एंड देन आ जाओ हम लोग नीचे एकदम, देखो ये वाला चैप्टर भी ख़त्म ही हो गया एक्चुअल में, ये है तुम्हारा समरी, तुम लोग एक बार ही देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हारा कीवर्ड्स के अंदर, की टर्म्स के अंदर या कीवर्ड्स के अंदर, एंड यहाँ पे पूरे चैप्टर का समराइजेशन तुम्हारा हो जाएगा। देन है तुम्हारा लास्ट, नॉट लास्ट आई गेस, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ वॉज द लास्ट, सो थर्ड वाला है तुम्हारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें तुम्हारे स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, स्टाइल्स के बारे में जानना। देन यहाँ पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे इंसर्ट वगैरह से रिलेटेड, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे, बट आ भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। देन अरेंजिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये भी एक बार ही देख लेना तुम लोग। क्रिएटिंग एडिटिंग एंड इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, लाइक दैट। एंड बेसिक बेसिक जो मेल मर्जिंग है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लास्ट टाइम एक बार मेरा क्वेश्चन आया हुआ था मेल मर्जिंग क्या होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ मेल मर्जिंग इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान में रखना। जो तुम्हारा सैम्पल पेपर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, वो वहाँ से जो क्वेश्चंस आए थे मेनली वो दोनों ही सेम थे, यानी कि मतलब सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो इधर ही से उठ के ही आए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, तो आराम से तुम लोग इसे यू नो इस PDF को रीड कर सकते हो, और कहाँ से रीड करना तुम्हें मैंने बता ही दिया है टेलीग्राम से, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन है तुम्हारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे तुम्हारा यू नो दिया हुआ है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल हो, सबसे पहले ये, ऑपरेटिंग ओपन ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसर, जहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एडिट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके, एंड वो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग उस डॉक्यूमेंट में रखते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, प्रोफेशनल होता है, एंड वहाँ से हम लोग को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आसानी से हम लोग ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से। तो ये हो जाता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। ओपन ऑफिस राइटर जो है वो भी एक बहुत से एडवांस फीचर्स
हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग अपने टेम्पलेट्स को बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे से बना सकते हैं। देन हमारे कंटेंट्स ऑफ टेबल जो हैं वो भी अच्छे से बनते हैं, एज़ वेल एज़ मेल मर्जिंग का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हेल्प करता है हमें अपने इन्फॉर्मेशंस को बनाने में या क्रिएट करने में। तो अब हम लोग इन्फॉर्मेशंस को तो अब हम लोग चैप्टर पे मूव करते हैं, ठीक है। सो अभी हमारा आ गया वर्किंग विद स्टाइल, तो स्टाइल के साथ हम लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो स्टाइल क्या होता है सबसे पहले वो जान लो। स्टाइल होता है कि मतलब तुम्हारा रिफर्स टू अ सेट ऑफ टेक्स्ट एंड पेज फॉर्मेटिंग। जब भी हम लोग अपने यू नो पेज को फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं या फिर पिक्चर्स को फॉर्मेट करते हैं, उसमें ऐड ऑन करते हैं, जैसे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज, बोल्ड देना, अंडरलाइन करना, इटैलिक फॉर्मेट करना, टेक्स्ट कलर देना, पेज को मार्जिन ऐड करना, साइज एंड ओरिएंटेशन, ये सभी हम लोग जब हैंडल करते हैं तो ये हमारा हो जाता है तुम्हारा स्टाइल का काम, ठीक है। स्टाइल के भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ स्टाइल होता है, स्टाइल पैराग्राफ को स्टाइल डुए में लिखना, कैरेक्टर स्टाइल्स होता है जिसमें हम लोग कैरेक्टर्स को सही से लिखते हैं, ब्लॉक ब्लॉक लेटर्स लाइक दैट इन पैराग्राफ। पेज स्टाइल में क्या होता है, हम अपने पेज को मॉडिफाई उसमें हम लोग स्टाइल डाल देते हैं, जैसे पेज मार्जिन हो गया, पेज साइज हो गया, पेज ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। फ्रेम स्टाइल मतलब हम लोग पेज के अंदर भी स्टाइल को स्टाइल में फ्रेम्स डाल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट के अंदर फ्रेम डालना हो गया या पिक्चर के अंदर फ्रेम डालना हो गया, तो वो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल्स मतलब रेफर्स टू स्टाइल दैट आर अप्लाइड इन द बुलेट लिस्ट, मतलब बुलेटिन्स को, बुलेट लिस्ट को यूज़ करते हैं, नंबर लिस्ट को या आउटलाइंस को यूज़ करके हम अपने जो स्टाइल्स ऐड ऑन करते हैं, तो वो हो गया हमारा लिस्ट स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्किंग विथ टेम्पलेट पे। तो टेम्पलेट क्या होता है, बेसिकली टेम्पलेट पे हम लोग टेम्पलेट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग अपने यू नो इन्फॉर्मेशंस को, अपने डेटाज को ऑर्गेनाइज करते हैं और सही तरीके से उसे स्टाइल को इस्तेमाल करके सेटअप करते हैं, अरेंज करते हैं, लाइक दैट। उसका डेफिनेशन देखें तो टेम्पलेट जो है एक बेसिक सा मॉडल है दैट प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट ईजिली एंड क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गया, एंड जो टेम्पलेट है वहाँ पे हम लोग लेआउट्स, फॉन्ट्स, स्टाइल्स, ये सभी चीज़ें, कलर्स एड ऑन कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर ही। देन ये तुम लोग देख लेना, वर्किंग विथ मेल मर्जिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मेल मर्जिंग के साथ काम कैसे किया जाता है। देखो मेल मर्जिंग जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट, देखो मेल मर्जिंग से क्या होता है ना, हम लोग एक टाइम पे 10 लेटर्स लिख सकते हैं। लेट्स सपोज एक शादी है, ठीक है, एंड मुझे कार्ड बनाना है एक शादी के लिए, एंड लोगों के नेम तो डिफरेंट होंगे ही लेकिन चीज़ें वही सेम होने वाली है। शादी किसकी होने वाली है, दो पर्सन की, एंड दोनों का नेम कुछ ले लेंगे, तो एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन की शादी होने वाली है, एंड मुझे कार्ड भेजना है टू माई 200 गेस्ट, मुझे 200 लोगों को बुलानी है उस शादी में। तो अब मुझे सभी के लिए ये कार्ड बनाना पड़ेगा। अब ये कार्ड छपवाऊंगी मैं 200 लोगों के लिए, तो मतलब मेरी जन्म बीत जाएंगे अगर मैं ऐसे लिखने बैठूँ तो इस काम को आसान बनाने के लिए मैं मेल मर्जिंग का काम आएगा। मेल मर्जिंग में आप एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग जनरेट कर सकते हैं नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ कार्ड्स इन जस्ट फ्यू टाइम, ठीक है, एकदम कम टाइम में। तो मेल मर्जिंग क्या है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉर्म्स, लेटर्स या लेबल कंटेनिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट टू डिफरेंट पर्सन कस्टमर विथ ईज। तो एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन है भाई, शादी तो दो ही लोगों की होने वाली है, एक्स पर्सन और वाई पर्सन की। तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये सिमिलर ही इन्फॉर्मेशन है, एंड हम लोग एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को यही सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द शादी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल मर्जिंग का काम, ठीक है। The information that personalizes a letter is the recipient's name and address. यहाँ पे changes तुम्हें लाने पड़ेंगे, जैसे कि सभी लोगों के नाम और एड्रेस को चेंज करना होगा, तो ये अपना थोड़ा सा काम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी मेल मर्जिंग का कुछ फैसिलिटीज़ होता है जिसे हम लोग ये भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेल मर्जिंग के बारे में और डिस्कस करने के लिए। तो मेल मर्जिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो तुम लोग एक बार ही बुक में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकता है मेल मर्जिंग पे, तो ध्यान में रखते हुए। तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मेल मर्जिंग के प्रोसेस में, मेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेटा सोर्सेज एंड मर्ज डॉक्यूमेंट्स, इसे एक बार ही देख लियो, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को एंड कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेनली हम लोगों ने उसी को डिस्कस किया है इस वीडियो में, ठीक है। अभी एक बार ही समरी देख लेना एंड की टर्म्स देख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखो मैंने कोशिश किया कि जो भी इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वही इस वीडियो में डिस्कस हो, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस ना हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, जिसको मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पे चीज़ों को याद रखना इज़ द मेन थिंग देन दैट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो समझना है, कि ये जो PDFs मैंने लगा रखा है तुमको, जो पिक्चर्स लगा रखा है, ये बहुत आसान शब्दों में चीज़ों को मेंशन रखा है। जो मेरा वाला बुक यूज़ करते हो तुम लोग, जैसे रत्ना सागर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी यूज करते हो, बुक में एकदम इजी वर्ड्स में सभी चीजें मेंशन्ड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी चीजों को समझने में, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जहां से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले एरियाज मैं डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। तो अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या फिर यू कहो तुम्हारा स्प्रेडशीट की, तो यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। बेसिकली ओपन ऑफिस कैल जो कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, वो अलाउ करता है हमें कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, यूज़ कर सकें, एनालाइज कर सकें और विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। यानी कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो हम उसे वापस ले भी सकते हैं, यानी कि वापस खोल के देख भी सकते हैं, लाइक दैट चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ ओपन कैल या फिर स्प्रेडशीट, ठीक है। You can represent the data of a spreadsheet graphically. कोई भी graphs को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत आसानी से अपने informations को, बड़े बड़े informations है तो उसे हम graphs के इस्तेमाल से, charts के इस्तेमाल से, जैसे bar graph हो गया, pie chart हो गया, उससे हम लोग आसानी से अपने information को represent कर सकते हैं। That will be, you know, like हम लोग अपना document बहुत attractive भी बना देते हैं इसी चीज़ों को use करते हुए, ठीक है। Moreover, ओपन ऑफिस कैल जो है वो provide करता है wide range of formulas and functions, जैसे हमारे hard calculations जो है वो भी बहुत आसानी से हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ओपन ऑफिस कैल की स्पेसिफिकली बात करें तो वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ एडवांस फीचर्स ऑफ फॉर एनालाइजिंग डेटा, जैसे हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसे एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना, दैट इज़ कंसोलिडेट डेटा। सो कंसोलिडेट करने में हमें हेल्प करे, व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर जैसे इंपॉर्टेंट कामों में हमें मदद करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ओपन ऑफिस कैल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है विथ वेरियस फीचर्स, जो कि जैसे कि लिंकिंग डेटा, हम लोग डेटा को लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग यहाँ पे स्प्रेडशीट को शेयर भी कर सकते हैं एंड रिव्यू भी कर सकते हैं डेटा ऑफ अ स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैल जो है हमें ऑल्सो प्रोवाइड करता है विथ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ नेमली मैक्रो, विच रिड्यूसेज द वेस्टेज ऑफ टाइम इन परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क। कुछ रिपीटेड टास्क होते हैं तो वापस बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैक्रो से तुम लोग डायरेक्टली हेल्प लो एंड उससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है एक ही चीज़ को बार बार लिखने में, लाइक दैट। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस चैप्टर में हम लोग ओवरऑल देखने वाले हैं। तो स्टार्ट विथ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की बात करें तो डेटा एनालिसिस मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने स्टोर ऑलरेडी कर रखी हो उसका हम लोग समराइजेशन कर रहे होते हैं या उसे हम लोग वापस से देख रहे होते हैं एक बारी कि सही चीज़ें सही है, अपडेट लाना भी डेटा एनालिसिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर आर एस फॉलो। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो भी डेटा एनालिसिस मतलब जब भी हम लोग डेटा को या इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं या फिर या कहो कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एनालिसिस के अंदर जो कि है हमारा डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ टूल एंड गोल सीक एंड एज वेल एज सॉल्वर, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। कंसोलिडेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ समराइजिंग और क्रिएटिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम डेटा प्रेजेंट इन वन और मोर सोर्सेज स्प्रेडशीट टू अ टारगेट शीट। तो वही है कि बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे नहीं स्टोर कर रखा है, बहुत जगहों पे फैला रखा है, तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे लाके स्टोर करना, वो हमारा हो गया तुम्हारा डेटा कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है हमारा सब टोटल। सो सब टोटल इज़ अबाउट यू नो लाइक कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पूरा सेल रेंज को टोटल निकाल के, लाइक दैट। देन व्हाट इफ सिनेरियो जो होता है, व्हाट इफ सिनेरियो अलाउ करता है तुम्हें क्रिएट करने में सिनेरियोज़ को, इनपुट वेरिएबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। कुछ इनपुट वेरिएबल्स तुम लोग देते हो इसके अंदर जिससे तुम्हारा जो आउटपुट है प्रोड्यूस आउटपुट है वो वैसा होता है जो तुम्हें चाहिए होता है, लाइक दैट।
देन वॉट इफ टूल्स की बात करें तो ये अलाउ करता है तुम्हें टू सी हाउ मेकिंग चेंजेस इन इनपुट वैल्यूएबल्स आर इन अ टेबल अफेक्ट्स द रिजल्ट लाइक दैट. वॉट इफ टूल्स मतलब कि क्या होता है ना कि कैसे लाइक वॉट इफ मतलब क्या होगा अगर. सो वॉट इफ टूल्स मतलब यू विल बी अलाउड टू सी हाउ टू मेक चेंजेस इन इनपुट वेरिएबल्स इन अ टेबल अफेक्ट द रिजल्ट. सो क्या तुम इनपुट डालोगे, क्या तुम लोग इनपुट वैल्यूज़ डालोगे कि आउटपुट वैल्यूज़ ये निकले, ये हमारा वॉट इफ टूल्स के अंदर देखा जाता है. गोल सिक की बात करें तो गोल सिक इज़ यू नो करेक्ट इनपुट टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू नो रिजल्ट दैट यू वांट फ्रॉम अ फार्मूला बट द इनपुट वैल्यू ऑफ द फार्मूला नीड्स टू गेट दैट रिजल्ट देन यू कैन सी गोल सिक टूल. गोल सिक टूल्स मतलब कि करेक्ट इनपुट टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट. तो सही इनपुट जो है वो हमें चाहिए होता है यहाँ पे टू प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करे हमें डिज़ायर्ड आउटपुट लाइक दैट. देन आ जाते हैं सॉल्वर पे, तो वो हमारे डिटरमाइन करते हैं वैल्यूज इन मल्टीपल इनपुट सेल्स टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट लाइक दिस. अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं फैक्चुअल बेस्ड हैं, चीज़ों को ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कंसोलिडेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा विद सेम और डिफरेंट स्प्रेडशीट्स और शीट्स लाइक दिस. ठीक है, वही चीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ रखी थी, उसी को इन डिटेल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा हुआ है विद द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू दैट प्रोसेस. जैसे कंसोलिडेट हम लोग को अपने डेटा को करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशनड हैं. ठीक है, अब है यहाँ पे क्विक क्विज जिसमें क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि फाइंड करता है करेक्ट इनपुट जिसके हेल्प से तुम लोग अपना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सको जो तुम्हें चाहिए. मतलब इनपुट तुम्हारे पास नहीं है बट तुम्हारा आंसर जो है वो इतना आ रहा है, 23 आ रहा है, बट तुम्हारे पास पता है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है. ठीक है, तो ये आ जाता है तुम्हारा गोल सिक. ठीक है, कि गोल ये है बट सिक गायब है लाइक दैट. ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाओ यूजिंग गोल सिक, कि गोल सिक को यूज़ कैसे करते हैं. यूज व्हेन यू नो द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला, फार्मूला का रिजल्ट पता है बट फार्मूला ही नहीं पता है तुम्हें, तो वो हो गया तुम्हारा गोल सिक, ये ध्यान में रखना. ठीक है, देन तुम्हारा यही सॉल्वर क्या होता है, सॉल्वर मतलब तो कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस डेटा एनालिसिस. तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, यानी कि लेट्स सपोज 23 आया यहाँ पे या 236 आया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस डेटा एनालिसिस. तो सॉल्वर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को काउंट कर सकते हैं लाइक दैट. ठीक है, देन सॉल्वर टूल्स वर्क सिमिलर टू गोल सिक टूल्स बट अनलाइक गोल सिक टूल्स सॉल्वर जो है वो पैरेंट वैल्यू, सॉल्वर जो है वो एक्चुअल में एक सेकेंड हम सॉल्वर जो है हमारा केपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग आउटपुट इन मल्टीपल सेल्स हो गया. देन यहाँ पे वही चीज़ें इन डिटेल बताया हुआ है कि कैसे हम अपने इन्फॉर्मेशन या डेटा में इंक्लूड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को. लिंकिंग का क्वेश्चन तुम्हारे सैम्पल पेपर में आया हुआ था. लिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टू गेट अ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल स्प्रेडशीट और शीट इनटू अ करेंटली ओपन और एक्टिव स्प्रेडशीट और शीट बाय यूजिंग सेल रेफरेंसेस. तो सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए जब हम लोग अपने यू नो इन्फॉर्मेशन को अपने एक्सटर्नल जो हमारे स्प्रेडशीट्स होते हैं या शीट्स होते हैं उसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं देन इट इज़ टर्म्ड एज योर लिंकिंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं शीट टैब को, यहाँ पे क्या किया हुआ, लिंकिंग दिखाया गया है, मल्टीपल शीट्स को कैसे लिंक कर दिया गया है इन वन लाइक दैट. नेक्स्ट आ जाओ हमारे वर्किंग विद मैक्रो इन स्प्रेडशीट. तो मैक्रो के साथ हम लोग काम कैसे करते हैं, मैक्रो बेसिकली होता क्या है, मैक्रो इज़ डिफाइंड एज यू नो सेट ऑफ कमांड्स, ये बेसिकली सेट ऑफ कमांड्स या एक्शंस होते हैं, ये कीवर्ड हो गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं देन एग्जीक्यूट इन स्प्रेडशीट व्हेन रिक्वायर्ड. तो हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड. मैक्रो प्रोवाइड करता है क्या, फैसिलिटी टू री यूज द रिकॉर्डेड इन एक्शन इन स्प्रेडशीट सेवरल टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड देयर बाई मेकिंग योर वर्क ईजियर. मैक्रोज जो हैं वो हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम को रिड्यूस करता है, यानी कि हम अपने टाइम ढंग से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क, हमें बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैक्रोज की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं तो वर्ड्स यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैक्रो रिकॉर्ड को. ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर की समरी. इसे एक बार ये रीड मार लो जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन हो जाए और अच्छे से एकदम
परफेक्टली एंड तुम्हारा जो की टर्म्स है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन बीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट मुझे थोड़ा सा एक मिनट दे दो, ठीक है। ओके सो अगर मैं बात करूँ योर सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी का हाफ पोर्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था आधा पोर्शंस जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाला पेन। तो हम लोगों ने आधा ये वाला सेक्शन बी का यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व डिस्कस कर रखा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर विथ सेक्शन बी का शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स से था तो इसीलिए मैंने इसे पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसका भी रिविजन कम्प्लीट किया है, ठीक है। तो एक बारी उसे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ मैं, वेट हाँ जी ये परफेक्ट है, थोड़ा सा डा। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन करो बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज ऑप्शंस व्हाइल क्रॉपिंग एन इमेज इन डॉक्यूमेंट। देखो इमेज को क्रॉप करते समय दो ऑप्शंस होते हैं, कीप स्केल और कीप इमेज साइज ऑप्शंस। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये मुझे बताओ। देखो कीप स्केल नाम से पता चला कि इससे हम इमेज के स्केल को कंट्रोल करते हैं, एंड कीप इमेज साइज मतलब हम लोग साइज को कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंस तो आराम से तुम लोग लिख ही सकते हो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, पहला बात तो यही है। व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्ट, आंसर मैं बता रही हूँ, डिफॉल्ट क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द इमेज। देखो क्रॉपिंग में क्या होता है कि स्केल नहीं चेंज होता है, ठीक है। कीप स्केल से क्या होता है ना, हम सिलेक्ट करेंगे और उससे हम लोग अपने इमेज को क्रॉप नहीं कर सकते, बस उसका स्केल को चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। व्हेन कीप इमेज साइज इज सिलेक्टेड क्रॉपिंग प्रोड्यूसर्स एनलार्जमेंट। जब साइज़ को क्लिक करोगे कीप इमेज के साइज़ को, तो उससे तुम्हारा साइज बढ़ेगा कोई भी इमेज होगा तो उसका, लाइक दैट। देन कम्स व्हाट डू यू मीन बाय पेज ब्रेक। देखो आंसर इसका एकदम नीचे में मैंने दे रखा है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, एक बार यहाँ से देख लेना, रीड कर लेना। ये PDF तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो एंड वहाँ से तुम्हें यहाँ ये सारे क्वेश्चंस और इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है पेज ब्रेक का मतलब क्या है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हुआ था कि पेज ब्रेक क्या होता है। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेयर मतलब पेज प्रिंट, जब भी प्रिंटेड पेज यहाँ जहाँ से एंड हो जाता है, प्रिंटेड पेज जहाँ से एंड हो जाता है और नया वाला जो बिगिन होता है उस जगह के बीच को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा पेज ब्रेक, ठीक है। जैसे कि मैं अभी दिखा सकती हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू राइट नाउ। देखो मैं वर्ड खोल के तुम्हें दिखा भी रही हूँ लाइव, ठीक है, कैसे होता है। ओके थोड़ा सा मैं जूम कर सकती हूँ क्या, एक सेकेंड, ठीक है जूम हो गया। अब मैं दिखाती हूँ पेज ब्रेक कहाँ से होता है। ये देखो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा पेज ब्रेक होता है, यहाँ पे इस एरिया को हम लोग पेज बोलते हैं। जब पहला पेज का एंड हो जाता है एंड दूसरा पेज का स्टार्टिंग होता है, तो वो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। अब आ जाओ तुम लोग अपना यहाँ पे एंड इसे क्वेश्चन को समझो। देखो मैंने आंसर बताने की कोशिश की प्रैक्टिकल, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंसोलिडेटेड ऑप्शन इन कैल। कंसोलिडेटेड ऑप्शन जो होता है, जब भी अभी डिस्कस करके हम लोग, उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो वही इस्तेमाल होता है कि भाई बहुत सारे डेटा जो होते हैं, टू या मोर डेटा जो होता है, उसे हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को एकदम अरेंज फॉर्मेट में, तो वो कंसोलिडेशन होता है ऑफ डेटा। DBMS क्या होता है, तो वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस को या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को एकदम बढ़िया से अरेंज करके ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रख सकते हैं, जब भी चेंजेस हो तो हम लोग चेंजेस कर सकें, यानी कि अपडेट कर सकें, या फिर जब भी ज़रूरत हो तो हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, स्टोर कर सकें,
एंड जब देखने की जरूरत हो तब देख भी सके लाइक दैट। तो ये होगा हमारा DBMS का आंसर, ठीक है। मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इससे भी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि भाई क्या टाइप्स होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप क्या हो गया, भाई लोकल एरिया नेटवर्क। देखो पैन के बारे में मेंशन नहीं है, बट मेंशन कौन सा है, लैन से। सो वही तुम लोग लिख दो ना, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, वैसे मेरा को समझ आएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो जाएगा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड एक हो जाएगा तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज़ वैन, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे टाइप्स हो गए, एंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है डिपेंड करता है उसके ऊपर ही। जैसे कि अगर मेंशन है, देखो तुम मेंशन है ना, नहीं मेंशन है, देखो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, वैसे बोला तो था कि हर जगह मेंशन करेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी मेंशन किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लाइक दैट। सो अब ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटीवायरस क्या होता है एंड एंटी स्पाईवेयर क्या होता है। देखो एंटीवायरस जो है यहाँ पे, देखो मेन 3 टाइप्स पूछा हुआ है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो तुम सिर्फ नाम लिख दो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्क्स जो है 3 मार्क्स है देन तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, तो मार्क्स पे डिपेंड कर देता है कि कितना लिखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मैलवेयर सॉफ्टवेयर। कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स में, तो इससे प्रोटेक्शन कौन देता है तुम्हें, दोनों एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। ये दोनों ही क्या करते हैं, तुम्हारे कंप्यूटर को हमेशा मतलब अपडेट, जब भी ज़रूरत होता है अपडेट कर देते हैं, एंड थ्रेट से यानी कि हैकर से या कोई भी वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन सेक्शन बी पे मूव करते हैं हम लोग, सेक्शन बी दैट इज़ योर यू नो लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी 5 आइटम्स जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं हेडर एरिया में। देखो टाइटल ऐड कर सकते हो, हेडर मतलब क्या, हेडिंग, ठीक है। हेडर मतलब हेडिंग, क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है। तो हेडर मतलब सबसे पहले तो तुम लोग हेडिंग ऐड कर सकते हो आराम से, ठीक है। दूसरा हो गया कि तुम लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर तुम चाहो तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट लिख दो, ठीक है। देन तुम लोग अगर चाहो तो लोगो ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे स्कूल नेम होता है एग्जाम के पेपर के सबसे ऊपर, तो वो हो गया तुम्हारा एक लोगो ही। तो पिक्चर या लोगो लगा सकते हो, या फिर मेन्यू दैट कंटेन्स होम अबाउट सर्विस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, या फिर डेट टाइम सिंपल से चीज़ है वो तुम लिख सकते हो। तो कोई भी आसानी से 5 आइटम्स तुम लोग लिख सकते हो जो कि तुम्हें भी ठीक लगे हेडर में लगाने में। हाउ डू यू लिंक द डेटा ऑफ स्प्रेडशीट। देखो ये सैम्पल पेपर में भी आया, और यहाँ सैम्पल पेपर में भी आया है लिंक डेटा वाला ऑफ स्प्रेडशीट, एंड अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं। तो कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं डेटा को स्प्रेडशीट में, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसका आंसर्स में तुम्हें दे दिया गया है, तुम थोड़ा सा रीड कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है, और जिसको पता है बहुत बढ़िया, एक बार ही देख लो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स का क्या यूज़ होता है, लिस्ट द वेरियस व्यूज यूज्ड इन एमएस एक्सेस इन विच फॉर्म कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा यही है कि फॉर्म जो है एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है विथ ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन होता है, जहाँ पे तुम अपने इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो, अरेंज करके रख सकते हो लाइक दैट। एंड इसका भी मेन प्रॉपर आंसर तुम्हें मिल जाएगा इन दी आंसर्स कॉलम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे एक तो टेबल दिया हुआ है तुम्हें, एंड क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव फील्ड कैन बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, कौन सा इन सभी में से प्राइमरी की होगा। तो प्राइमरी मतलब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप वन, सो एम्प्लॉय नंबर इज द प्राइमरी आंसर है इसका। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉय नेम फील्ड ऑल्सो हैज़ यूनिक वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, कैन इट बी मेड प्राइमरी की, क्या हम लोग बना सकते हैं इसे प्राइमरी की, आंसर दो या आंसर का रीज़न दो। देखो आंसर यही है कि एम्प्लॉई जो नेम है इसके पास यूनिक वैल्यूज़ ज़रूर हैं, एम्प्लॉई जो हमारा एम्प्लॉई नेम है उसके यूनिक काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ दिख रहे हैं हमें, तो क्या हम इसे प्राइमरी बना सकते हैं, तो बट देयर इज़ नो गारंटी कि हम उसे कि इफ़ मोर एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड देयर दे वुड not be multiple people with similar names like that। तो ये ध्यान में रखना है कि multiple people सभी के नाम जो हैं वो सेम ना हो, अगर सेम होते हैं देन हम लोग हमें इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। देखो प्राइमरी की मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, एंड
प्राइमरी की, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम इस सेक्शन को, यानी कि इसे देखो, हम एम्प्लॉय का नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, आईडी भी इंसान का कभी सेम नहीं होता, ठीक है, आईडी नंबर, तो वैसे ही इंसान का जो नेम है वो मेनली सिमिलर हो जाता है, बट अगर नाम यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या एम्प्लॉय नेम वाला जो कैटेगराइजेशन है ये यहाँ पे प्राइमरी यू नो प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, बट द नेम ऑफ ईच पर्सन शुड बी डिफरेंट, किसी का भी नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए, ये आंसर है तुम्हारे इसका। नेक्स्ट है तुम्हारा 21 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि कैसे हम लोग अपना टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कैसे। तो भाई हम लोगों ने IRCTC के बारे में पढ़ा था, है ना, रिमेंबर इफ़ यू आर रिमेंबरिंग अबाउट इट, IRCTC का फुल फॉर्म मैंने लास्ट टाइम पूछा था। देखो ई टिकट जो है या इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो है ये एक डिजिटल टिकट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोग आसानी से अपने टिकट कटवा सकते हो। IRCTC जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये यूज़ होता है जनरली जिससे हम लोग अपने टिकट कटवा सकते हैं, ठीक है। टू बुक द टिकट ऑन IRCTC तुम्हारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ। सबसे पहले IRCTC का वेबसाइट खोलो, देन वेबसाइट का नाम वही www.irctc.com, देन वो खुल जाए तो वहाँ पे फ्रॉम जहाँ से, मतलब अभी मैं अगर दिल्ली में हूँ तो फ्रॉम दिल्ली और मुझे जाना है टू UP, तो टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड ट्रेन्स करेंगे ऑप्शन, देन सर्च द ट्रेन्स एंड क्लिक द चेक अवेलेबिलिटी, अब मैं चेक करूँगी कि कितना ट्रेन्स अवेलेबल है मेरे लिए एंड उसका फेयर कितना लगेगा। द फॉलोइंग पेज विल डिस्प्ले इफ़ यू हैव एनी अकाउंट, अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ पे अगर तुम्हारा IRCTC का कुछ अकाउंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुम्हें वहाँ पे लॉग इन वगैरह करना होगा नेम एंड पासवर्ड के थ्रू, एंड उसके बाद ही तुम्हारे लिए रजिस्टर का बटन ऑफ अवेलेबल होगा जहाँ पे जाके तुम लोग अपना टिकट रजिस्टर मार सकते हो, उसके बाद रजिस्टरिंग होगा एंड द रेस्ट प्रोसेस यू मोर ऑर लेस नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपरली आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैम्पल पेपर 1 एकदम दे रखा है यहाँ पे, सॉल्यूशंस ही है यहाँ, सो ऑल सॉल्यूशंस यू विल गेट हेयर प्रॉपरली, जो भी मैंने सेक्शन ए में डिस्कस किया था, सेक्शन बी में डिस्कस किया था, वो सभी यहाँ पे है एंड वो सभी एक्यूरेट आंसर्स थे, ठीक है, आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे। देखा अब तुम लोग क्या करो, सिंपली से एंड तक देख लिया है, अगर तुम्हें कोई भी और मटेरियल की ज़रूरत हो, जैसे कोई भी एक और सैम्पल पेपर की ज़रूरत हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक्स्ट्रा में बोलूँ तो ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज तुम लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है टुमारो, दैट इज़ टुमारो लास्ट एग्ज़ाम है तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम का, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट है, कुछ भी बचा हुआ है, तो कॉमेंट सेक्शन में मैं हूँ अवेलेबल, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। देन दैट्स इट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।